बंगाली फिल्मों में वापसी कर रहे मिथुन चक्रवर्ती इस स्पेशल किरदार से करेंगे कमबैक। फिल्मी जगत के जाने माने वरिष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पूरे 3 साल बाद एक बार फिर बंगाली सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। हाल ही में आई फिल्म ताशकंद फाइल्स में एक नेता का किरदार निभाने के बाद मिथुन अब इस बंगाली फिल्म में एक स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाते नजर आएंगे। बंगाल राज्य सरकार द्वारा बेस्ट डायरेक्टर का खिताब पा चुके मानस मुकुल पाल मिथुन की इस फिल्म के निर्देशक हैं। सहज पाथर गटो नामक बंगाली फिल्म के साथ निर्देशन में कदम रख चुके मानस अब एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं। मानस की यह नई फिल्म बंगाल के सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी दिनेश चंद्र गुप्ता की बायोपिक होगी। सुभाष चंद्र बोस के संगठन बंगाल वॉलंटियर्स का हिस्सा रह चुके दिनेश चंद्र गुप्ता को ब्रिटिश सरकार ने उनके अफसर की हत्या के चलते फांसी की सजा सुनाई थी और 7 जुलाई 1931 के दिन उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक में इन्हीं का किरदार निभाने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से एक खास शर्त भी रखी थी कि उन्हें शांति से अपने हिसाब से इस किरदार को निभाने दिया जाए। उनकी यह शर्त भी पूर्ण रूप से मानी गई। इसी के बाद मिथुन ने फिल्म करने के लिए हामी भरी है। वैसे काफी समय से बीमार चल रहे मिथुन चक्रवर्ती अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इस बंगाली फिल्म के अलावा एक हिंदी फिल्म में ही जल्द नजर आने वाले हैं।